धरा पृष्ठरे देवी दुर्गांकर आगमनर बेल वर्तमान सबु देवी पीठरे चालीछि षोडश उपचाररे पूजा नीति जहाँ पाई चलचंचल सबु देवी पीठ मूलाष्टमी ठारु सप्तम देवी पीठ समेत विरजा क्षेत्र रे मध्य चालीछि षोडश उपचार पूजा आउ एबे पाखे आसुछि माँ विरजाक नवदिनात्मक रथयात्रा। दुई वर्षर कोविड कटकणा जोगु रथयात्रा पर्वरे श्रद्धाळु सामिल होई पाउनथिले हेले एथर रथ टाणीबाकु भक्तक मध्यरे खूब आग्रह प्रकाश पाइछि। सेपटे रथ कामरे लागिछन्ति महाराणा। चलित वर्ष अधिक भिड़ हेबार संभावना थिबारु शारदीय दुर्गापूजा और रथयात्राकु श्रृंखलित करिबा लागि मंदिर प्रशासन पक्षरु व्यापक बंदोबस्त मध्य करा जाइछि। तबे सबुठु बड़ कथा हेउछि शक्तिपीठरे रथयात्रा भली विरल परंपरा देखिबाकु मिले केवल ओडिसा रो जाजपुर माँ बिरजाक क्षेत्र रे। अमावास्या प्रतिपद दिन ठारु माँ रथारूढ़ होई नौ दिन पर्यंत निज मंदिर चारिपाखरे परिभ्रमण करिबार परंपरा रहिछि। नवमी रात्रि रे माँ रथरु ओल्हाई विजय यात्रा रे लाख बिंधा पड़िया जाइथा माँकर एभली नवदिनात्मक रथयात्रा भारत बर्षरे अन्य कौनसी शक्तिपीठरे देखा जाय नथाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपद ठारु महानवमी पर्यंत मंदिरर बेढ़ा चतुपार्श्वरे माँकर सिंहध्वज रथ नौ थर परिक्रमा करिथाय एहाकु नवदिनात्मक यात्रा बोली कुहाजाय। जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथयात्रा लिंगराज महाप्रभुंकर रथयात्रा परी भारतीय शक्ति परंपरा रे ओडिशार एकमात्र पीठ विरजा क्षेत्र जेउठारे नौ दिन व्यापी एक महान रथयात्रा पर्व अनुष्ठित हुए ए विरल परंपरा समग्र भारत पाई एक नुआ आदर्श सृष्टि करिछि। प्राचीन परंपरा अनुसार यही रथ शुभ सुनिया रे वनजाग विधि परे अनुष्ठित हुए आरंभ हुए तार कार्यक्रम एवं प्रतिपद तिथि तार प्रतिष्ठा हुए अमावास्या तिथि तार अधिवास होइथाय। यही सिंहध्वज रथरे 898 खंड काठ व्यवहृत होइथाय एथिरे 12टी चक थाए 13टी थाक 24टी धारणा एवं 64टी खुंटी थाए। स्वयं प्रजापति लोकपितामह ब्रह्मा यही रथर सारथी होइथांती। एभळी एक ऐतिह परंपरा एवं महान संस्कृति विजड़ित यही सिंहध्वज रथयात्रा केवल जाजपुर नुहे समग्र ओडिशार एक गौरवर निदर्शन कहले अत्युक्ति हेबनी। जो माने यही रथर माँकर विजय करिथिबा विजय प्रतिमा असादंड को दर्शन करती से माने पंचसुना पातकरु मुक्त हुंती बोली शास्त्र स्पष्ट भाव उल्लेख रही। जे पश्यन्ति रथारूढ़ भ्रमन्ति अंबिकां पुनः ते पंच पातकैर्मुक्ता जन्ति तस्याः स्वरूपताम्। तेणु यही अनन्य परंपरा यही महान परंपरा केवल बिरजा क्षेत्र व्यतीत अन्य कौन से शक्तिपीठ से लक्ष्य करा जाए ना। देवी प्रसाद पाणी सभापति मुक्तिमंडल सभा प्रसाद रूप देखते प्रथम कोविड वर्ष संपूर्ण भक्त को बारण कराइला कई भक्त कि मंदिर प्रवेश कर नथिले किंतु द्वितीय वर्ष जिला प्रशासन सेवा अनुरोध कर दिन दुईटा पर्यंत भक्त मानक सामिल करने सुजोग देते दिन दुईटा पर्यंत भक्त मैंने मंदिर को दर्शन को आसते माँ का दर्शन करते कि चलित बर्ष संपूर्ण कोविड कटक ना सका 6 राति 10 11 विलंबित राति पर्यटन भक्त मैंने आसपर दर्शन करेंगे कि चलित बर्ष पाद दर्शन जो चलता आम परंपरा अनुसार से पाद दर्शन चलित बर्ष अनुषित हो भक्त मैंने गर्वग्रह जाए माँ बिरजा दर्शन करेंगे तेणु भक्त मैंने बहु मात्रा एथप उत्साहित अच्छा विभिन्न जगह मत फोन में भक्त मैंने पचारे आम जा दर्शन कर तो निश्चित रूप भक्त मैंने चलित बर्ष माँ का गर्भगृह को जी और शांति समय से दर्शन करने व्यवस्था कर। गोटे पटे प्रतिदिन माँ को निकट में षोडश उपचार रे पूजा अर्चना चली बेले अन्य पटे मंदिर सम्मुख रथखोलार माँ का रथ कम जारी रही। माँ का विजयारथ निर्माण कार्य लगी महाराणा कारीगर माँ का रथर नाम हेउछि विजयारथ एहाकु पुणी सिंहध्वज और माया रथ बोली मध्य कुहाजाए। रथर सारथी हेउछन्ति स्वयं ब्रह्मा। शुभ सुनियारे बनजाग यात्रा सह सही दिन ठारु माँ का रथ निर्माण कार्य आरंभ होइथाए। रथरे मोट 898 खंड काठ लागे 56 फुट उच्चता 12 चक विशिष्ट एहि रथरे नवग्रह 10 दिगपाल रहिछन्ति। रथर उच्चता
14 হাত 4 আঙ্গুল এবং ওসার হচ্ছে 11 হাত 9 আঙ্গুল। মাঙ্ক রথর চক নাম মধ্য ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। 9 দিনর রথযাত্রাকু দেখিবা পাই দৈনিক শহ শহ শ্রদ্ধাঙ্ক ভিড় দেখিবাকু মিলে এঠারে। এ বিরজা পিঠরু যদিও এ বনদুর্গা पूजा शक्ति पलवक्त जो दुर्गा पूजा ओडिशार विभिन्न प्राचीन पीठ को प्रसारित तबे ये पीठर महत्व होउची एठी काल प्रात निशी एवं बनदुर्गा मंत्र रे सिंहासन रे एवं ब्राह्मी आदि घटपीत देवता नवरत्न मंडप रे समान मंद पूजा करा जाउची एवं रात्रि मध्य षोड सुतार पूजा होउची एवं विशेष पूजा रथ अधिवास दिन एवं रथ प्रतिष्ठा मंडप रे रथ प्रतिष्ठा हेबो एवं पंचमी दिन आउ गोडी पांच कळ सब सिगी यज्ञ आरंभ हेबो एवं अष्टमी रे मांकर विशेष पूजा हेबो नवमी दिन मांकर अर्चा विग्रह रथरु ओलाई लाखविंदा जीवे लाखविंदा सन्धान परे देवी स्व मंदिर को प्रवेश करी होची मांकर शारदीय पूजार एक वैशिष्ट्यपूर्ण दिग अटे। माँ होचंती द्विभुजा सर्व समग्र पृथ्वी रे एक विश्वविरल महिषमर्दिनी देवी भावरे गवेषक माने को स्वीकार करचंती ये एक प्राचीनतमा शाक्त देवी तेणु माँ बिरजाकुरु माँ बिरजाक जो मंत्र आराधना करा जाए एटी आठ गोटी मंत्र ये एटी शाक्त शैव वैदिक तांत्रिक रीतनीतिर एक समन्वय घटी पूजा पद्धति को जदि आम दृक्पात करवा देखा माँ हूँ माँ हूँ सर्व समन्वयर प्रतिनिधि स्वरूप। ବିରଜାଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଲା ସିଂହଧ୍ୱଜ ବା ବିଜୟା ରଥ ବା ମାୟା ରଥ। ରଥର ଆରୋହୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା ନିଜେ, ରଥର ସାରଥି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12, ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ନାମ ଭିନ୍ନ। ରଥର ଲମ୍ବ ହେଲା 14 হাত 16 হাত 4 ଆଙ୍ଗୁଳ। ରଥର ଓସାର ହେଲା 11 হাত 9 ଆଙ୍ଗୁଳ। ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଲା 36 হাত 16 ଆଙ୍ଗୁଳ। କାଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 898। ଆମେ ନିଜ ଅରୁଆରଣ କରୁ ବା କ'ଣଟା କେମିତି କରୁ ସେମିତି ସବୁ କରିକି ଆମେ ଖାଇପିଆ କରିକି ଆସୁ। ଶୂନିଆ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ବେଲବରଣୀ ପରେ ଶୁଭ ଦିନ ଗୋଟେ ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ ଇଏ ଶୂନିଆ ବୋଲିକିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଶୂନିଆ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ଜାଣିକି ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥ ଟଣା ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ନବରାତ୍ର ଉପାସ ରହି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ନବରାତ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା ରଖିଥିବା ଯାଜପୁର ସହର ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ଭଳି ଅନନ୍ୟ। ଯାଜପୁରରୁ ରିପୋର୍ଟର ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।